असलम स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस मैनेजेरियल इकनॉमिक्स उसकी डेफिनेशन ऑब्जेक्टिवस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजेरियल इकनॉमिक्स हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं मैनेजेरियल इकनॉमिक्स होता क्या है बेसिकली जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं ना उस बिजनेस के अंदर कोई भी फॉर एक्ज़ाम्पल प्रॉब्लम पैदा होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्त किस्म की जो टेक्निक्स हैं टूल्स हैं स्ट्रेटजीज हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं उस इस्तेमाल करने का जो डिपार्टमेंट है इकनॉमिक्स के अंदर उसको क्या कहते हैं मैनेजेरियल इकनॉमिक्स ताकि वो उन टूल्स और उन स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को हैंडल करे और कोई डिसीजन ले उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का तो इसको क्या कहते हैं मैनेजेरियल इकनॉमिक्स इट इज़ द फील्ड ऑफ इकनॉमिक्स दैट डील्स विद द एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इकनॉमिक मैर्स टूल्स टेक्निक्स स्ट्रेटजीज एंड प्रिंसिपल्स टू अनेबल डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम इकनॉमिक की कोई भी प्रॉब्लम है उसका डिसीजन लेना और उसको सॉल्व करना जो है वो किस में होता है मैनेजेरियल इकनॉमिक्स में इट इज़ अप्लाइड टू ऑपरेशनल इशूज़ लाइक ऑपरेशनल इशूज़ जो कि बिज़नेस के ऑपरेशनल ईशोज़ होते हैं मतलब कि जहाँ पे बिजनेस वर्क कर रहा होता है उन इश्यूज़ पे ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स काम करती है थ्योरी ऑफ डिमांड हो गई थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हो गई प्रोडक्शन हो रही है और प्रोडक्शन के मतलब जो डिसीजन लिए जा रहे हैं प्राइसिंग थ्योरी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करना एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज़ करना देखना कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कामयाब है प्रॉफिट एनालिसिस जो प्रॉफिट है उसका एनालिसिस करना और मैनेजमेंट करना प्रॉफिट की तो इन ऑपरेशनल इश्यूज में क्या काम करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये आठ ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में सबसे पहला है एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम का मतलब क्या है द प्रोसेस टू फाइंड द बिजनेस प्रॉब्लम एनालाइज करना जो भी हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं उसको हमने प्रिडिक्ट कर लेना एनालाइज़ कर लेना क्या कहलाता है एनालाइजिंग ऑफ बिज़नेस प्रॉब्लम दूसरे नंबर पर प्लानिंग बिजनेस प्रॉब्लम एनालाइज़ हो गई है हमने फाइंड आउट कर लिए अब उसको हैंडल करने के लिए हमने प्लान बनाना है कि कौन सी स्ट्रेटजीज कौन से टूल्स लगाए जाएं और कौन से प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि उस प्र, उस प्रॉब्लम को जो है वो हैंडल किया जा सके उसके लिए हमने प्लानिंग करनी है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सेलेक्टिंग स्टेप्स एंड मेथड्स टू हैंडल द बिजनेस प्रॉब्लम उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो है एम्प्लॉय बेस्ट मैथड्स तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें पहले नंबर पर हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया उसके बाद हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट प्लानिंग कर ली उसके बाद हमने मेथड्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं एम्प्लॉय करने हैं द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द सेलेक्टेड मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम अब हमने बेस्ट टेक्निक्स, बेस्ट टूल्स बेस्ट बेस्ट स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमने अप्लाई करनी है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके उसके बाद चौथा जो है वो है एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्स हमने प्रोसेस एलोकेटेड ऑफ रिसोर्स क्या है कि प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम हमने जो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके लिए हमने एक ख़ास किस्म की फाइनेंस जो है वो क्रिएट करनी है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए फिफ्थ नंबर पे है फिल्म फिल्म डेवलपमेंट टेकिंग स्टेप्स फॉर द बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फिल्म फिल्म की डेवलपमेंट और उसकी बेटरमेंट के लिए हमने जो है वो स्टेप्स लेने होते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में रिस्क रिडक्शन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम द बिज़नेस बिज़नेस के अंदर जितने भी रिस्क हैं उसको कम करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग क्या होता है हमने कोई भी रिस्क उस बिजनेस के अंदर कोई भी लॉस होने वाला है या कोई भी रिस्क किसी किस्म का है उसको हमने आ, इस्टीमेट कर लिया कोई भी फ्यूचर रिस्क है उसको एस्टिमेट करना जो है वो फॉरकास्टिंग है द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर प्रॉब्लम विच में अफेक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड फॉरकास्टिंग ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का उसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉफिट जो है वो बैकबोन है वो ही एक बिजनेस को डिफाइन करता है तो ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसके टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करके उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है किसी भी बिज़नेस के प्रॉफिट को उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स जो है वो मैच होते हैं और बड़े ही आसान हैं आप इनको अगर आ, पेपर में लिखेंगे आ, तो कोई मसला नहीं है आ, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसके मैचिंग है फॉर एग्जांपल ये जैसे प्लानिंग आ गया फोरकास्टिंग आ गया तो ये मैचिंग है लेकिन इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लानिंग ऑफ बिजनेस कोई भी बिज़नेस है उसकी प्लानिंग कि आया वो बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसमें कितनी सक्सेस के पॉइंट कितने हैं उसके फेलर के पॉइंट कितने हैं तो ये तमाम किस्म की प्लानिंग जो है वो मैनेजेरियल uh, इकोनॉमिक्स में होती है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद है फोरकास्टिंग इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एस्टिमेटिंग द टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर द बिजनेस सक्सेस एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करती है कि इसके कौन सी टेक्निक्स एंड टूल्स को इस्तेमाल किया जाए बिज़नेस की सक्सेस करने के लिए और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ़ कैपिटल जो कैपिटल हमने बिज़नेस में लगाना है उसकी मैनेजमेंट की जाएगी वो किस में होगी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ़ कैपिटल वेयर टू स्पेंड एंड हाउ टू स्पेंड कैपिटल की एक ख़ास किस्म की हमने मैनेजमेंट करनी है ताकि बिजनेस से हमें मैक्सिमम प्रॉफ़िट हासिल हो सके ऐसे ही नहीं कि कैपिटल को हमने ऐसी चीज़ों पे लगा दिया जिससे हमें जो है वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो ये मैनेजमेंट भी मैनेजरील इकोनॉमिक्स में आती है उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट आर मैनेज इन दिस सब्जेक्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी मैनेजमेंट भी मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं उसके बाद है फिर्म डेवलपमेंट। जो भी बिजनेस है फिर्म है उसकी डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो भी मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स डिफाइन करती है प्रेजेंट्स थ्योरी टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द फिल्म डेवलपमेंट एंड सक्सेस उसके बाद है प्राइसिंग पॉलिसीज एक प्रोडक्ट तैयार हो गया एक बिजनेस का उसकी जो प्राइसेस सेट की जाती हैं उसको प्राइसिंग पॉलिसीज हैं उसमें भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की द स्ट्रेटजीज़ एंड द मेथड्स आर यूज्ड फॉर द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फेम उसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यूज ऑफ थ्योरीज टेक्निक्स, मेथड्स एंड टूल्स टू मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बहुत काम करती है क्योंकि इसके हम टूल्स टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट मैनेजमेंट प्रॉफिट जो हमें आ रहा है उसकी मैनेजमेंट में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिज़नेस इज़ देन मैनेज्ड बाय द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के डिफरेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस किया उम्मीद है आपको समझ आई होगी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें थैंक यू वेरी मच